टैपिंग विवाद पर संसद में सरकार का जवाब। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव बोले, लीक डाटा से फोन टैपिंग का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ सुरक्षा से जुड़े मामलों में ही होती है टैपिंग। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने फोन टैपिंग मुद्दे पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना कहा, अगर ऐसा हुआ तो मोदी सरकार ने लोगों की निजता के अधिकार के साथ खिलवाड़ किया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, सरकार संसद को नोटिस बोर्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। पीयूष गोयल बोले, विपक्ष का व्यवहार निंदनीय है। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच बोले पीएम मोदी, विपक्ष की मानसिकता महिला विरोधी, मंत्रियों का परिचय तक नहीं कराने दिया। पीएम ने कहा, आदिवासी मंत्रियों का परिचय विपक्ष को क्यों नहीं मंजूर, विपक्ष की ऐसी मानसिकता पहली बार सदन में देखी गई। लोकसभा में पीएम मोदी का विपक्ष पर वार, कहा विपक्ष को रास नहीं आया दलित और महिलाओं का मंत्री बनना, सोचा था सदन में पहले दिन उत्साह नजर आएगा। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारे कई मंत्री ग्रामीण परिवेश से, नए मंत्रियों का परिचय नहीं करवाने दिया गया, विपक्ष नए मंत्रियों का सहयोग करे। लोकसभा प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के दौरान विपक्ष का हंगामा, स्पीकर ने विपक्ष सदस्यों को याद दिलाई संसदीय गरिमा की। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही नए सांसदों को दिलाई गई शपथ, स्पीकर ओम बिरला ने दिलाई शपथ। लोकसभा के हंगामे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वार, कहा विपक्ष ने संसदीय परंपरा को तोड़ा, 24 साल में पहली बार ऐसा हुआ। राजनाथ सिंह ने कहा, पीएम के संबोधन के दौरान जो हुआ वो ठीक नहीं था, नए मंत्रियों का परिचय नहीं करवाने दिया गया, विपक्ष का रवैया निराशाजनक। सदन में प्रधानमंत्री को नहीं बोलने देने पर बीजेपी का विपक्ष पर हमला, पीयूष गोयल ने कहा विपक्ष का व्यवहार स्वीकार करने योग्य नहीं। पीएम मोदी ने बताया कि सदन में मंगलवार शाम से कोरोना के मुद्दे पर चर्चा होगी, विपक्ष तीखे और धारदार सवाल पूछे, सरकार को भी जवाब देने का मौका दे। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कल विपक्षी पार्टियों की बुलाई बैठक, शाम 6 बजे पार्लियामेंट एनेक्सी में होगी बैठक, वैक्सीन नीति पर होगी प्रेजेंटेशन। टीएमसी सांसदों ने किया पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध, दिल्ली में साइकिल चलाते हुए संसद पहुंचे टीएमसी के सदस्य। बारिश के बीच संसद भवन पहुंचे राहुल गांधी, बारिश के बीच उनका छाता, सीआरपीएफ के जवान पकड़े हुए नजर आए। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात, हरियाणा के लिए अलग विधानसभा चंडीगढ़ में बनाए जाने की मांग। पंजाब में कांग्रेस का झगड़ा संसद तक पहुंचा, सीएम कैप्टन की पत्नी परनीत कौर ने राहुल गांधी से किए सवाल जवाब, लोकसभा में परनीत को समझाते हुए नजर आए राहुल गांधी। नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने से सीएम कैप्टन नाराज, कैप्टन की पत्नी की नाराजगी दूर करते दिखे राहुल गांधी। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सांसदों और विधायकों की बुलाई बैठक, 21 जुलाई को लंच को भेजा है न्योता, सूत्रों के हवाले से खबर, सिद्धू को अब तक न्योता नहीं भेजा गया। चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी नेताओं के संघ की बैठक, कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत सिंह नागर समेत कई नेता थे शामिल। पंजाब के पटियाला में सिद्धू को बधाई देने के लिए जुटे समर्थक, सिद्धू ने घर के बाहर आकर अपने समर्थकों से मुलाकात की। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने पर मुक्तसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई, एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, दिल्ली वालों को गर्मी से मिली राहत, कई इलाकों में जल जमाव से लोगों की समस्याएं भी पैदा हुई। दिल्ली में भारी बारिश के बाद सड़कों पर आया सैलाब, कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। दिल्ली में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुसा, सड़कें पानी में पूरी तरह डूबी हुई नजर आई। दिल्ली आईटीओ पर भारी बारिश के बाद जलजमाव, सड़कों पर घुटने तक पानी भरा, नगर निगम के कर्मचारी पानी को निकालते नजर आए। दिल्ली में भारी बारिश के बाद आईटीओ पर लगा लंबा जाम, जल भराव से घंटों जाम में फंसी रही गाड़ियां। दिल्ली के तुगलकाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर राहगीरों का चलना हुआ मुश्किल, गाड़ियों की थमी रफ्तार, झुग्गियों में भर गया पानी। दिल्ली में मूसलाधार बारिश के बाद लाजपत नगर मार्केट में भरा पानी, लोगों को बड़ी परेशानी। दिल्ली में बारिश की वजह से पहलापुर अंडरपास में भरा पानी, जल जमाव और जल भराव में फंसी दिखी गाड़ियां। दिल्ली के नरेला इलाके में बारिश के बाद भारी जल जमाव, पानी के बंद हुई कई गाड़ियां, लोगों के लिए आफत बनकर बरसी बारिश। दिल्ली में बारिश के बाद आजाद मार्केट इलाके में भी भीषण जल जमाव, पानी के बाद बंद हुई कई गाड़ियां, गाड़ी को धक्का मारते नजर आए। गुरुग्राम में भारी बारिश के बीच NH-64 पर लगा ट्रैफिक जाम, पानी के बीच सड़कों पर रंगती हुई नजर आई गाड़ी। हरियाणा में मानसून की जोरदार बारिश, पानीपत, अंबाला, कैथल और करनाल में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहावना। गुरुग्राम बिल्डिंग हादसे में पुलिस की कार्रवाई, बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया FIR। हरियाणा के गुरुग्राम में मलबे से निकाले गए तीन लोगों के शव NDRF और SDRF ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से तबाही, 3 लोगों की मौत, 4 लापता हुए। बादल फटने से कई घर जमींदोज हो गए। उत्तराखंड में तबाही का दिन, उत्तरकाशी के बाद टिहरी गढ़वाल में भी बादल फटा, कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। टिहरी गढ़वाल में आसमानी आफत में एक शख्स घायल हुआ, एसडीआरएफ ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में खारघर की पहाड़ियों पर फंसे 116 लोगों का किया गया रेस्क्यू, दमकल ने लोहे की सीढ़ी और प्लास्टिक की रस्सी की मदद से लोगों को बचाया। नवी मुंबई की खारघर पहाड़ी पर मौज मस्ती करने गए लोग, बारिश के चलते उफान पर आ गया था बरसाती नाला, प्रशासन ने लगा रखी थी टूरिस्ट स्पॉट पर एंट्री पर रोक। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद बिहार नवी मुंबई थाने में जलभराव के बीच काम करते नजर आए पुलिसकर्मी। मुंबई और आसपास के इलाकों में आने वाले 5 दिन की चेतावनी, मौसम विभाग ने जताया भारी बारिश का अनुमान, मुंबई के आसपास झीलें लबालब भरी हुई। गुजरात के वलसाड में भी मूसलाधार बारिश से जलभराव, पूरे शहर में पानी पानी, घरों दुकानों में घुटनों तक भर गया पानी। यूपी के सहारनपुर में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, सिद्धपीठ मां शाकुंभरी के दर्शन के लिए श्रद्धालु जान खतरे में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। राजस्थान के सवाईमाधोपुर में बारिश के बाद उफान पर नदी नाले, पानी के तेज बहाव में बहे 2 लोगों ने दोनों को वक्त रहते बचा लिया। बिहार के रोहतास में भारी बारिश के बाद झरने के बीच में फंसे 2 युवक कड़ी मशक्कत के बाद उनकी जान बचाई गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी ने मचाई तबाही, 700 से ज्यादा घर बाढ़ में डूबे, खगड़िया में कोसी का कहर, जमींदारी बांध पर कटाव का खतरा। हरियाणा के अंबाला में मानसून की पहली बारिश ने खोली प्रशासन की पोल, ज्यादातर इलाकों में हुआ जलभराव, कपड़ा मार्केट में भी भरा बारिश का पानी। हरियाणा के कैथल में पानी की निकासी नहीं होने से लोगों की बड़ी परेशानी, दुकानों में पानी घुसने से व्यापारियों की मुसीबतें बढ़ गई। धर्मांतर जिहाद का सबसे बड़ा खुलासा, महाराष्ट्र से गिरफ्तार प्रकाश कावरे ने चीन में धर्म परिवर्तन का कबूला था इस्लाम, यूपीएटीएस को मिले अहम सुराग, सूत्रों के हवाले से खबर। हैदराबाद फॉरेंसिक लैब भेजा गया संदिग्ध आतंकी मिन्हाज का मोबाइल फोन, एटीएस छापेमारी के दौरान मिन्हाज ने जला दिया था अपना मोबाइल। यूपी के कासगंज में धर्मांतरण कराने की कोशिश का आरोप, हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। कासगंज में ईसाई धर्म के लोगों के पास मिली कॉपी में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, हिंदू जागरण मंच के लोगों ने ईसाई धर्म के लोगों से मारपीट की। मुंबई में जमीन विवाद में सड़क पर 2 गुट आपस में गुंडागर्दी नजर करते हुए आए, एक गुट ने दूसरे पर तलवार से हमला किया, वीडियो वायरल हुआ। कोलकाता पुलिस ने सिपाही भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों पर किया लाठीचार्ज, भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू करने की मांग कर रहे थे अभ्यर्थी। कोलकाता में पुलिस मुख्यालय के बाहर धरना दे रहे थे अभ्यर्थी, लाठीचार्ज कर पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर अभ्यर्थियों को पीटा। फ्रांस की नौसेना के साथ INS तबाह के युद्धाभ्यास की तस्वीरें आई सामने, फ्रांस के बिस्के की खाड़ी में INS तबाह ने दिखाया जलवा। केरल सरकार के बकरीद पर लॉकडाउन में छूट देने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कोर्ट ने विजिलेंस सरकार से मांगा जवाब, IMA ने भी जताया एतराज। उत्तराखंड में एक हफ्ते और बढ़ाया गया कोरोना का कर्फ्यू, 27 जुलाई तक बढ़ाई गई मियाद, सुबह 8 से रात 9 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 38,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं सामने, जबकि 4,99 लोगों की जान चली गई। पिछले 24 घंटे में 38,607 मरीजों ने कोरोना को मात दी है, देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 4,21,665। यूपी में बकरीद त्योहार को लेकर योगी सरकार ने जारी की निर्देश, कुर्बानी के दौरान 50 से ज्यादा लोग नहीं हो पाएंगे जमा, सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी न देने की हिदायत। यूपी की सीतापुर जेल में बंद SP सांसद आजम खान की बिगड़ी तबियत, प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने लखनऊ किया रेफर। लखनऊ में सीएम योगी ने लगाए जनता दरबार, फरियादियों की समस्याओं को सुना, अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बने आपदा कंट्रोल रूम का किया औचक निरीक्षण, कहा किसी भी हालात से निपटने के लिए रहे अलर्ट। यूपी के PWD विभाग की बड़ी पहल, सड़क खराब होने पर नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर, सड़क की फोटो के साथ व्हाट्सएप नंबर पर देनी होगी जानकारी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बारिश के चलते PWD विभाग की खुली पोल, पानीपत खातिमा मार्ग की सड़क धंसी, सड़क पर दोनों तरफ से गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। यूपी के महाराजगंज में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, एक गर्भवती महिला के साथ भी मारपीट हुई, पुलिस ने आरोपी SSB जवान को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में अपराध पर जीरो टॉलरेंस की शानदार नतीजे, गैंगस्टर एक्ट में 13,700 मुकदमे हुए दर्ज, 43,000 से ज्यादा आरोपियों की हुई गिरफ्तार। यूपी के बागपत में किसान नेता राकेश टिकैत के भांजे ने समर्थकों के साथ BJP कार्यकर्ता की पिटाई की, ब्राह्मण समाज ने की कार्रवाई। मध्य प्रदेश में कोरोना से माता पिता को खोने वाले बच्चों से सीएम शिवराज का संवाद, COVID-19 बाल सेवा योजना के तहत खातों में राशि भी ट्रांसफर की गई। MP के उज्जैन में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर लोगों ने किया हमला, पथराव में महिला इंजीनियर गंभीर रूप से घायल, हिरासत में लिए गए 7 आरोपी। छत्तीसगढ़ के कॉलेज में 1 अगस्त से शुरू होंगे दाखिले, एक फॉर्म से 5 कॉलेज के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की मिलेगी सुविधा।
मध्य प्रदेश के डिंडौरी में पूर्व मंत्री मरकाम ने की प्रभारी मंत्री का काफिला रोकने की कोशिश, पुलिस ने रास्ते से हटाया, दो कांग्रेस नेता गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में साल 2021-22 में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे प्राइवेट स्कूल, स्कूल शिक्षा विभाग का कलेक्टर्स और संबंधित अधिकारियों को आदेश। एमपी के रतलाम में मान्याखेड़ी गांव में मगरमच्छ निकलने से मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। राजस्थान में महिलाओं के बढ़ रहे अत्याचार को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल, जयपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया। राजस्थान के कोटा में एमबीएस अस्पताल में चाकूबाजी हुई, मरीज का बेटा हुआ घायल, मरीज के परिजनों ने बेड की चादर को लेकर विवाद हुआ था। राजस्थान के जोधपुर में एक मकान में आग लग गई, हादसे में चार लोगों की मौत, सामूहिक खुदकुशी का जताया जा रहा है अंदेशा, जांच में जुटी पुलिस। बढ़ती महंगाई के खिलाफ बिहार में आरजेडी का हल्ला बोल, जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन जारी, तेजस्वी ने सरकार पर बोला हमला, कहा जनता पर पड़ गई दोहरी मार। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर लगाया जनता दरबार, लोगों की शिकायतों का ऑन द स्पॉट कर रहे हैं निपटारा। बिहार के मधुबनी में बीजेपी नेता ने उड़ाई शराबबंदी की धज्जियां, शराब की बोतल के साथ नजर आए सियाराम साहू, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बिहार के मधुबनी में बीजेपी नेता ने उड़ाई शराबबंदी की धज्जियां, शराब की बोतल के साथ नजर आए सियाराम साहू, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। बिहार के मोतिहारी में मंदिर की दान पेटी में चोरी करना चोर को पड़ा महंगा, ग्रामीणों ने चोर को रंगे हाथों पकड़कर जमकर की धुनाई। बिहार के पश्चिम चंपारण के स्कूल में बार बालाओं का डांस, डांस के दौरान युवकों ने जमकर लहराए तमंचे भी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मरीन फिशरीज बिल के खिलाफ मछुआरों का हल्ला बोल, मछुआरों ने काले झंडे दिखाकर बिल का किया विरोध। विदेशी निवेशकों ने 1 से 16 जुलाई के बीच शेयर बाजार से 4,515 करोड़ की निकासी की, भारतीय बाजार के प्रति एफपीआई का रुख सतर्कता अपना रहा है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस भी करेंगे स्पेस की सैर, 20 जुलाई को ब्लू ऑरिजिन के लॉन्च किए जाने के एक अंतरिक्ष में यात्रा में शामिल होंगे। ईरान में कुदरत की मार झेल रहे हैं लोग, केमॉन में बाढ़ से बेहाल दिखे, बाढ़ में फंसे बच्चों का रेस्क्यू किया गया। पोलैंड में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ के मचाई तबाही, उफान पर नदियां, घरों में घुसा बाढ़ का पानी। दक्षिणी ईरान में पानी संकट से परेशान लोगों ने प्रदर्शन किया, बीते 50 साल में सबसे भयंकर सूखे से गुजर रहा है ईरान। चीन की पीएलए आर्मी और नौसेना ने समुद्र में किया उभयचर लैंडिंग अभ्यास, ताइवान द्वीप के पास चीन का शक्ति प्रदर्शन। अफगानिस्तान में बढ़ता तालिबानी आतंकियों का आतंक, करबला हवाई अड्डे पर जाने वाले कई तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया गया। अफगानिस्तान में अलग अलग राज्यों में तालिबान पर एयर स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक में तालिबान के 5 आतंकी मारे गए। गजनी प्रांत में तालिबान पर जबरदस्त हमला, गैरिश प्रांत में अफगान फौज के हमले में 22 तालिबानी ढेर, फरियाद में 20 तालिबानी मारे गए। चीन के जुजियांग प्रांत में इलेक्ट्रिक बाइक में लगी आग, बाइक सवार बाप बेटे आर्मी से। भारत के खिलाफ आईएसआई की एक और साजिश, तालिबानी एजेंटों को निर्देश, अफगानिस्तान में भारत के बनाए हुए ठिकानों को हमला कर उन्हें बर्बाद करेंगे।